हेलो गाइस, मैं सुनील एक फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूं। अब आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कहां पर देना पड़ेगा? ये जो वीडियो स्पेशली मैंने क्रिएट करी है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही क्रिएट करी है, क्योंकि आप लोगों का मेरे को प्यार मिल रहा है, काफी सारे लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, तो मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं आपको प्लस पॉइंट ही ना बताऊं हर कंपनी का, माइनस पॉइंट भी टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूं। तो गाइस, केआरएस ग्रुप से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आई है। जिन भी लोगों ने स्पेशली केआरएस ग्रुप के अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे वो आपका गोवर्धन हो, श्री राधा रानी टाउनशिप गोवर्धन, चाहे वो श्री राधा रानी टाउनशिप बरसाना, चाहे वो आपका आगरा हो, चाहे वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, या वो रिसेंटली में श्री राधा रानी टाउनशिप वृंदावन हो, इन सब से जुड़ी हुई एक बुरी खबर आप लोगों के लिए आ चुकी है। तो गाइज, मेरा नाम है सुनील। अगर आप दिल्ली एनसीआर में, गोवर्धन में, बरसाना में, वृंदावन के आसपास कहीं पर भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर वहां पर आप अपना मकान बनाकर रहना चाहते हैं फ्यूचर में, तो एक बार इन नंबरों पर जो डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, और जो आपका डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़े हैं उन नंबरों पे कॉल करके सटीक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल, व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिलेगी। मेरा फर्ज है आप लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड रूबरू कराना, क्योंकि हर एक इंसान अपनी प्रॉपर्टी के बारे में अच्छाइयां बताता, बुराइयां कोई नहीं बताता। तो मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को बुराइयां भी बताऊं, क्योंकि काफी सारे लोग और आप लोगों की वजह से ही मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है। तो गाइज, अगर आपने श्री राधा रानी टाउनशिप वृंदावन, श्री राधा रानी टाउनशिप गोवर्धन, या कहीं पर भी केआरएस ग्रुप के प्रोजेक्ट में अगर आपने प्लॉट खरीदा है, चाहे वो 50 गज का हो, चाहे वो हो आपका 500 या 1000 गज का, जब आपने वो प्लॉट लिया था तब उसकी वैल्यू अलग थी, आज उसकी वैल्यू अलग है। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि आखिर कंपनी ने जुर्माना किस चीज पे लगाया है और क्यों लगाया है। हालांकि जुर्माने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने आपको करीब 3-4 महीने पहले ही दे दी थी। जिन लोगों ने मेरे चैनल फॉलो नहीं करा वो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम इन जो एरिया मैंने आपको बताया है मैं उनसे रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, तो आपके पास वो वीडियो मिलती रही, चाहे वो गोवर्धन हो, बरसाना हो, या वो वृंदावन हो। तो गाइस, वीडियो के बारे में जैसे मैंने आपको सॉरी बताया कि मैंने 4 महीने पहले आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसा होने जा रहा है। वो क्यों होने जा रहा है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं, प्लॉट तो खरीद लेते हैं, दोस्त के साथ आए, बजट उनका 50 गज का है या 60 गज का है, दोस्त ने खरीदा है 250 गज तो मैं भी 250 ही खरीदूंगा, चाहे मेरी कैपेसिटी है या नहीं है, चाहे मैं उधार लेके खरीदूं, लेकिन मैं खरीदूंगा 250 क्योंकि मेरे दोस्त ने भी 250 गज खरीदा है। लेकिन मुझे, मेरी जेब अगर बोलती है कि मैं 50 गज खरीदूं तो मुझे 50 गज ही खरीदना चाहिए, मैं कर्जे में क्यों ढपूं? सिंपल सा फंडा यह है। उन लोगों की वजह से क्या हो रहा है कि आज जितने भी कस्टमर हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं उनको जुर्माना भुगतना पड़ रहा है। वो किस टाइप का जुर्माना भुगतना पड़ रहा है कि जिन्होंने, जैसे मैंने अभी बताया, एक इस कैटेगरी के लोग हैं जो दोस्त के साथ आए, उन्होंने दोस्त के कहने पे ही कि 250 खरीदा, मैं भी 250 खरीदूंगा, चाहे मेरी जेब नहीं बोल रही 250 अफोर्ड करने के लिए। उन लोगों ने प्लॉट खरीद लिया, 2-3 महीने ईएमआई चलाई, फिर उन्होंने क्या करा, 5 महीने ईएमआई नहीं दी, 6 महीने, 7 महीने फिर ईएमआई दे दी, 2-4 महीने फिर बंक मार गए। अब कंपनी ने क्या कर दिया है कि जितनी भी आपकी ईएमआई डिले होंगी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और ऐसा पिछले 18-20 दिन से कंटिन्यू हो रहा है। मेरे थ्रू भी जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे हैं, मैं उन लोगों को भी इस वीडियो के थ्रू बता दूं कि आप अपनी ईएमआई टाइम टू टाइम पे करें गाइस, डिले ना करें, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया था वीडियो के थ्रू स्टार्टिंग में, अगर आप अपनी ईएमआई पहले भरते हैं तो कंपनी आपको कुछ परसेंट का डिस्काउंट भी देती है, जैसे 2% से लेकर 5% तक का कंपनी आपको डिस्काउंट देती है, अगर आप 15-20 दिन पहले यानी एडवांस में आप अपनी ईएमआई पे कर देते हैं प्लॉट की, चाहे वो 50 गज हो, चाहे वो 1000 गज हो, जस्ट एग्जाम्पल। अब कंपनी क्या करती है कि भाई अगर मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं किसी चीज पे, क्योंकि आप एडवांस में पे कर रहे हैं, तो भाई अगर आप डिले पे करेंगे
या आपने 2 साल पहले प्लॉट बुक कराया और आपने 4-5 EMI दी, उसके बाद आपने EMI नहीं दी, फिर 2-3 दे दी, फिर आपने 4-5 महीने बाद दी, तो उसकी वजह से क्या है, एक तो वो प्लॉट होल्ड है आपके नाम से, सेकंड आपको जो टाइम टेबल दिया हमने कि भैया 24 महीने में, 40 महीने में, 36 महीने में, 50 महीने, बराबर मैं इतना पैसा आपको देना है पूरा, आप नहीं दे रहे, तो उसकी वजह से कंपनी जब आपको बेनिफिट दे रही है एडवांस में पे करने का, तो डिले के भी आप पे पेनल्टी लगेगी और यही आपके ऊपर जुर्माना अब लगने वाला है और लग रहा है जो लोग अपनी ईएमआई लेट कर रहे हैं। तो गाइस अपनी ईएमआई हमेशा टाइम से पे करें, डिले ना करें, क्योंकि अभी थोड़ा जुर्माना लग रहा है, मैं भी आपको बता दूं अभी कुछ ही परसेंट कंपनी लगा रही है, आने वाले टाइम में और ज्यादा भी ये करने वाली है। तो गाइस अगर आपकी जेब बोलती है कि मैं 60 गज का प्लॉट ले सकता हूं या 100 गज का ले सकता हूं, तो आप सोच समझ के 60 या 100 गज का ही प्लॉट लें, उसके आगे आप अपना प्लॉट ना लें। अब एक चीज और आती है कि काफी सारे लोग बुकिंग करा देते हैं, बुकिंग कराने के बाद भी डिले करते हैं कि 15 दिन का टाइम उनका, मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल जस्ट, कि अगर 15 दिन का टाइम उन्हें मैंने दिला दिया, वो 25-25 दिन बंक मार रहे हैं, तो भाई प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आपको जो टाइम मिला है उस टाइम के अंदर अंदर आप अपनी बुकिंग अमाउंट कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने टाइम के अंदर अपनी पेमेंट को नहीं करते हैं या बुकिंग कंप्लीट नहीं करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वो प्लॉट आपका उस डेट के बाद, जो भी आपको हमने डेट दी है, एग्जाम्पल 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, उस डेट के बाद वो ऑटोमेटिक आपका प्लॉट नंबर ब्लैंक शो करता है, तो कोई दूसरा उस प्लॉट को अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग उस नंबर को बुक कर देगा, तो वो प्लॉट आपके हाथ से चला जाएगा, उसमें कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं दिल्ली एनसीआर के अलावा इन जगहों पे जो मैंने आपको बताया है प्लॉट लेना, एक सुरक्षित सोसाइटी के अंदर लेना, तो आप जो डिस्प्ले पे नंबर है उन नंबरों पे कॉल करके, डिस्क्रिप्शन में नंबरों पे कॉल, व्हाट्सएप करके सटीक अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट, जो लोग इन्वेस्टर है ना, जो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए, या इन्वेस्टर का मतलब ये नहीं है कि जो लोग सोचते हैं इन्वेस्टर मतलब 1,000-2,000 गज खरीदने वाला, नहीं, 50 गज खरीदने वाला भी शख्स, उनके लिए भी मैं ईएमआई पे बहुत अच्छी लोकेशन पे प्लॉट लेके आने वाला हूँ, और वो भी गेटेड सोसाइटी में, अप्रूव्ड सोसाइटियों में। तो जो भी लोग श्री राधा रानी टाउन से वृंदावन में प्लॉट लेने का विचार कर रहे हैं, मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, अभी रेट चल रहा है 6,250 रुपये पर गज का, इस पर आप अपना 1 से 3 साल की किस्तों में इजली आप अपना प्लॉट बुक करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ध्यान रखें आप अपना, अपनी फैमिली का। एक चीज फिर रिपीट करूंगा, हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लॉट आपका है, पैसा आपका है, खरीदना आपको है, दोस्त यार रिश्तेदार के कहने पे मत जाइए, अपना दिमाग खुद लगाइए, मेरे कहने पे भी मत जाइए, प्लॉट लेने आते हैं 10 क्वेश्चन कीजिए, सेटिस्फाई हो तभी खरीदिए, सेटिस्फाई नहीं है मत खरीदिए। लेकिन मैं आपको ये बोल सकता हूं, प्रॉपर्टी जेन्युइन है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को सेव और यार दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। ओके बाय, टेक केयर।